अगस्त महीने से इसका प्रकोप बढ़ रहा था, उसी समय अगर बड़े पैमाने पर अगर फॉगिंग होती, लार्वा को मारने का प्रयास होता, तो शायद यह रिकॉर्ड इस बार जो टूट गया वो नहीं टूटता। ये प्लेटलेट्स की जो मशीन है वो NMCH में मशीन ही नहीं है, PMC जो मशीन खराब पड़ी है, लगी नहीं अभी तक। कोई मशीन चलाने वाली जो कुछ नहीं, कोई मशीन ढूंढने का नहीं, कोई मशीन है। हाँ सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है इसके अंदर वो प्लेटलेट्स की कमी, और ख़ास करके जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उस नेगेटिव ब्लड ग्रुप का प्लेटलेट्स उपलब्ध नहीं है। प्लेटलेट हम लोग डेली बनाते हैं और 30 से 35 प्लेटलेट हमारा रहता है, किसी को भी जरूरत होगा हम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में डेंगू का प्रकोप लगातार बरप रहा है। बता दें आपको कि जिसको लेकर लगातार बीजेपी के नेता बिहार सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। वहीं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी जो है PMCH पहुंचे हैं। वहीं अस्पतालों में डेंगू वार्ड का उन्होंने निरीक्षण किया है, तमाम डेंगू के मरीजों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं बिहार सरकार पर जमकर बरसे हैं। सुशील मोदी ने साफ कहा है कि लगातार डेंगू का जो केस है वो पटना में मिल रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में सरकार बनी है, तमाम कार्य होने थे वो कार्य नहीं हो रहे हैं। वहीं सुशील मोदी ने साफ कहा है कि अगर डेंगू वार्ड जो है पहले से बना दिया जाता या फिर पहले से डेंगू पर ध्यान दिया जाया रहता तो कुछ नहीं होता। वहीं बता दें आपको कि सुशील मोदी ने साफ कहा है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और लगातार मरीजों की जो मौतें हैं वो डेंगू से हो रही है। वहीं उन्होंने साफ कहा है कि 4 मरीजों की अभी तक PMCH पे मौत हो गई है, लेकिन सरकार का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। क्या कुछ कह रहे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, वो सुने आप लोग। आज आपने डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया है। PMCH में जो डेंगू वार्ड है वहाँ पर मरीजों से हम लोगों ने मुलाकात की है। देखिए मुख्य बात है कि डेंगू को रोकने के लिए जो प्रयास होना चाहिए था, अगस्त महीने से इसका प्रकोप बढ़ रहा था, उसी समय अगर बड़े पैमाने पर अगर फॉगिंग होती, लार्वा को मारने का प्रयास होता, तो शायद यह रिकॉर्ड इस बार जो टूट गया वो नहीं टूटता। लेकिन अगस्त महीने में नई सरकार बनी तो पूरी सरकार राजनीति में लगी हुई थी। अब मुख्यमंत्री जी को बिहार की चिंता से ज़्यादा देश की चिंता है, और जो डिप्टी CM है, जो दो दो विभाग के मंत्री हैं, तो देखिए इस पूरे डेंगू में नगर विकास की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि फॉगिंग करना, छिड़काव करना, घर घर जाकर चेक करना, ये नगर विकास का काम है, और फिर स्वास्थ्य विभाग जो है, तो इसलिए दोनों विभागों की बड़ी भूमिका है। लेकिन तेजस्वी जी को कोई मतलब नहीं, एक बार केवल आए, आज तक कभी विभाग में बैठ कर उसकी समीक्षा भी नहीं की। मुझे याद है कि जब मंगल पांडे थे तो प्रतिदिन वो घंटे दो घंटे लगाकर कोई भी इस प्रकार की बीमारी फैल रही है तो उसकी मॉनिटरिंग क्या करते थे। अब उन लोगों ने अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है। और देखिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है इसके अंदर वो प्लेटलेट्स की कमी, और ख़ास करके जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उस नेगेटिव ब्लड ग्रुप का प्लेटलेट्स उपलब्ध नहीं है। और हम लोग के समय में एक मशीन आई थी जो यहाँ पर ब्लड बैंक में, वो मशीन पड़ी हुई धूल फाँक रही है, वो एस्फेरेसिस मशीन है जो खून से प्लेटलेट्स को अलग करती है, और उस मशीन से जो प्लेटलेट्स अलग होते हैं वो एक बार चढ़ाने पर 50,000 प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। और अभी जो चढ़ाया जा रहा प्लेटलेट, आप देखा होगा मरीजों को, उसे 5,000-7,000 ही एक यूनिट चढ़ाने पर और प्लेटलेट्स बढ़ता है। ये जो सिंगल डोनर प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स की जो मशीन है वो NMCH में मशीन ही नहीं है, PMC जो मशीन खराब पड़ी है, लगी नहीं अभी तक। और बिहार में जो 8-10 जगहों पर जो मशीन है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो देखिए डेंगू के लिए उसको रोकना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और आज आप छिड़काव करेंगे भी तो भी रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो फैल चुका है। बाकी जो इलाके हैं, जो गरीब लोग, साधारण लोग रहते हैं, उन इलाकों के अंदर और इलाज नहीं हो रहा है। तो आज जो डेंगू ने रिकॉर्ड पार कर दिया उसके लिए पूरे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री और DC जिम्मेवार हैं। अगर समय रहते इन लोगों ने व्यवस्था की होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। अब तक 4 लोग संभवतः PMCH में मर चुके हैं और भी कुछ लोग मरे होंगे, और पूरे बिहार में करीब 11-12 जिलों में डेंगू का कहर जो है फैल चुका है। तभी भी मैं मुख्यमंत्री और DC से अपील करूंगा कि प्रतिदिन मॉनिटरिंग कीजिए,
केवल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी और डॉक्टरों के भरोसे मत छोड़िए, आप स्वयं प्रतिदिन समीक्षा कीजिए कितने मरीज आए, क्या स्थिति है, छिड़का हुआ कि नहीं हुआ, तो स्थिति नियंत्रण में आएगी। तो आपने सुना सुशील मोदी थे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बिहार में सरकार बनी है तमाम डेंगू के मरीज मिल रहे, लेकिन सरकार का इस पे ध्यान नहीं जा रहा है, अगर पहले से ध्यान दिया गया रहता तो ऐसा नहीं होता। बता दें आपको कि लगातार डेंगू के बिहार में मरीज मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा डेंगू का जो संक्रमण है वो पटना में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सुशील मोदी जो है पीएमसीएच पहुंचे हैं, तमाम मरीजों से मुलाकात की उन्होंने, पीएमसीएच के तमाम जगहों पर जो है जहां पर मरीज है वहां पर जाकर उन्होंने वार्ड में जाकर मुलाकात की। वहीं देख सकते हैं किस तरीके से तमाम मरीज जो है वो अस्वस्थ है, मरीजों की हालत सही नहीं है और लगातार जो है निशाना साध रहे। वहीं सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, वहीं वहां के जो डॉक्टर है वो भी क्या कुछ कह रहे थे वो भी आप सुनिए इस वीडियो में। मरीज बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 50 से 60 बीच में रह रहा है, 125 बेड का जो है सो हमारे यहाँ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टोटल दवा करीब करीब हम लोग दे रहे हैं यहाँ से, प्लेटलेट की भी ज़रूरत पड़ती है तो प्लेटलेट भी हमारे पास सफिशियंट मात्रा में हम लोग देते हैं। किसी तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे और उनका भी डायरेक्शन है, प्रत्येक साहब का भी डायरेक्शन है, सेंट्रल टीम भी कल आया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारा ठीक। अभी वो कह रहे थे कई मशीनें धूल खा रही हैं, कहाँ यूज नहीं है, यहीं पे कोई मशीन नहीं चलाने वाली जो कुछ नहीं 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 कोई मशीन धूल नहीं खा रही, सब कोई मशीन है, हाँ सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्लेटलेट हम लोग डेली बनाते हैं और 30 से 35 प्लेटलेट हमारा रहता है, किसी को भी जरूरत होगा हम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर दीपावली को लेकर आप आज आपने क्या, पूरी तैयारी है हमारी, अगर कोई क्राइसिस होता है तो हमारी पूरी टीम या राजेंद्र सर्जिकल उधर जो है आईजी सर्जिकल इमरजेंसी वहाँ हमारा तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से छठ के लिए भी हम लोग तैयार हैं, छठ के लिए भी स्पेशल वार्ड हमने बना दिया है और 25 बेड का, अगर जरूरत पड़ेगा तो 50 भी कर देंगे। वहाँ पर हमारा डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर सब अलग से रहेंगे और वो हम मैसेज दे भी दिया है सरकार को और डीएम वगैरह को, सबको कर दिया है कि किसी तरह का, आप लोग की तरफ से भी हम दे रहे हैं कि अगर भगवान ने करे कि छठ में कोई तरह का हो, घटना घटे, लेकिन घटे तो यहाँ नहीं आके डूबेगा भी, उस दिन हम इमरजेंसी वहाँ ये तो रहेगा ही जनरल, लेकिन उसमें जो कुछ भी घटना घटे तो वहाँ जाए, वहाँ चूँकि हमारा बेड है, सब कुछ है, साफ़ सुथरा है ना, एकदम मॉडर्न है, जो कॉरपोरेट लुक है, तो वहाँ हम वहाँ सब डॉक्टर का इंतजाम किए हैं 30-31 के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, किन्हीं को जरूरत हो दवा जैसे लेके जितना जैसे सामान हो दे रहा है, कोई दिक्कत। तो आपने सुना डॉक्टर का क्या कुछ कहना था, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।